तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी में योगी की नाक के नीचे मेरठ में 400 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया ईसाई धर्म, नहीं कुछ कर सके योगी आदित्यनाथ, हिंदूवादी संगठनों को भी बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जताया अपनी हत्या का शक, मोदी और अमित शाह पर लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, तेलंगाना में राहुल गांधी ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोरबी पुल हादसे को लेकर बुरी तरह से फंसी बीजेपी सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, जांच की कर दी है मांग, कई बीजेपी के मंत्री जाएंगे जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल में चुनाव से पहले अपने बागियों से परेशान हुई बीजेपी, नड्डा की कोशिश भी गई बेकार, अब सख्त कार्रवाई करने की बीजेपी कर रही है तैयारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, वोटर लिस्ट से आधार कार्ड को जोड़ने के आदेश के खिलाफ कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ तैयार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी की नाच के नीचे 400 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अपनाया ईसाई धर्म, उत्तर प्रदेश सरकार में मचवा हड़कंप। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद यूपी के मेरठ में 400 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदूवादी संगठन और योगी सरकार को पता चली तो योगी सरकार के आदेश पर यहां पर एसएसपी के कार्यालय में हिंदूवादी संगठनों ने धरना दिया और एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई इन व्यक्ति को बनाया था उस व्यक्ति की तलाश उत्तर प्रदेश में जारी है। वहीं आपको बता दें कि अब हिंदूवादी संगठन ने आरोप लगाया है कि इन लोगों को पैसे का लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन कराया है, जबकि जब इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था तब इन्होंने दावा किया था कि हमने अपनी स्वेच्छा से हिंदू धर्म छोड़ा है और ईसाई धर्म अपनाया है, लेकिन बीजेपी के दबाव और हिंदूवादी संगठनों के दबाव में आकर इन लोगों ने अपने बयान को पलटा और कहा कि जिन लोगों ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया, जिन लोगों ने हमें ईसाई बनाया, उन लोगों ने हमें पैसे के लालच दिया और पैसे के लालच में आकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी की नाक के नीचे किस तरह से 400 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जताया अपनी हत्या का शक, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर लगाया आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी हत्या को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला दावा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह उनकी हत्या करा सकते हैं और उनकी हत्या कभी भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर इसका आरोप लगना चाहिए, क्योंकि यही दोनों लोग मेरी हत्या करा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के इस ऐलान के बाद भाजपा और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मेरे खिलाफ हारेन पांडे जैसी योजना नहीं बना रहे होंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को सचेत करना पड़ सकता है। याद रहे जो मेरे साथ जैसा करता है मैं उसे उसी तरह जवाब देता हूं। इन दोनों ने आरएसएस के सर्वोच्च अधिकारी को भी झांसा दिया है। यह पहली बार जब स्वामी ने मोदी और शाह पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि वह लगातार मोदी सरकार के फैसलों की भी आलोचना करते रहते हैं। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, राहुल गांधी ने किया दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि आने वाले समय में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी केवल हवा में है, जमीन पर कुछ नहीं है, और आम आदमी पार्टी पैसे प्रचार पर खर्च कर रही है, विज्ञापन लगवा रही है, इससे ज्यादा आम आदमी पार्टी का गुजरात में कुछ भी नहीं है और एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आगे बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी हार के डर से तरह तरह के अजीब कानून लेकर आ रही है, लेकिन उनकी पार्टी मजबूत है गुजरात में और प्रदेश में अगली सरकार उनकी पार्टी बनाएगी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि इन चुनावों में उनका उपयोग किस तरह से किया जाना है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार जनता को लूट रही है और दलितों एवं आदिवासियों की जमीन छीन रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि टीआरएस के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही कांग्रेस पार्टी का नहीं उठता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को लगा झटका, वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट हुआ तैयार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार के उस फैसले के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें मतदाता सूची डेटा को आधार परिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए सक्षम बनाया गया था।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया है कि आधार कार्ड नहीं होने के आधार पर वोट देने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्र ने मतदाता सूची के साथ आधार विवरण को जोड़ने की अनुमति देने के लिए मतदाता पंजीकरण नियमों में संशोधन किया था ताकि डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने दीवान से सवाल किया है कि उनके तर्क से लगता है कि जिसके पास आधार नहीं है उसे वोट देने से मना नहीं किया जाना चाहिए, यहां तक कि आधार होने पर भी ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस पर वकील ने जवाब दिया कि मतदान का अधिकार सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार एक योजना बना रही थी कि जिस पर आधार कार्ड होगा वो ही वोट डाल सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को झटका दिया और कहा कि अगर किसी व्यक्ति आधार कार्ड नहीं है, अगर आधार कार्ड है भी और वो दिखाना नहीं चाहता है तब भी उसे वोट डालने दिया जाए और वोट डालने से ना रोका जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल चुनाव में अपने ही बागियों से परेशान हुई बीजेपी, नड्डा की कोशिश भी गई बेकार। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए उनके बागी नेता ही बड़ी चुनावी मुसीबत बन गए हैं। राज्य में विधानसभा की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर विधानसभा सीटों पर कुछ हजार वोटों का अंतर ही जीत हार तय करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐसे में बीजेपी के लिए उनके अपने ही बागी नेता परेशानी का बड़ा सबब बन गए हैं। बीजेपी हर चुनाव में सरकार बदलने की राजनीतिक परंपरा को तोड़ते हुए इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलने के नारे के साथ चुनाव लड़ी है, लेकिन पार्टी के बागियों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अपना गृह राज्य होने के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाराज और बागी नेताओं को मनाने का जिम्मा स्वयं संभाला था। नड्डा ने लगातार नाराज नेताओं से मुलाकात की थी, पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे नेताओं को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नेता नहीं माना और इसके बाद बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें हिमाचल चुनाव में बढ़ा दी हैं। जिन लोगों को जो है टिकट बीजेपी ने नहीं दिया था वो नाराज होकर अब बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे भाजपा को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोरबी पुल हादसा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें, होगी जांच। या दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में घटना की जांच के लिए राज्य सरकार को न्यायिक आयोग बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका को तिवारी नाम के शख्स ने दाखिल किया है जो पेशे से वकील है। मोरबी पुल हादसे को लेकर अभी तक आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस महानिरीक्षक राजकोट रेंज अशोक यादव ने मीडिया कर्मियों को बताया कि अब तक अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 2 प्रबंधकों, 2 बुकिंग क्लर्कों, मरम्मत कर्मियों के 1 पिता पुत्र की जोड़ी और 3 सुरक्षा गार्डो को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोरबी पुल हादसे में 141 लोगों की मौत हो गई, अब बीजेपी बुरी तरह से इस मामले पर घिर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनसीबी चीफ शरद पवार की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। या दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीबी के प्रमुख शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को बेचैनी महसूस होने पर सोमवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने ये जानकारी दी है। राकावा के महासचिव शिवा जी राव गर्जे ने एक बयान में कहा है कि राज्यसभा सदस्य पवार, जो 21 साल इनकी उम्र है, अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में रहेंगे और बाद में 3 नंबर से शुरू होने वाली पार्टी की बैठक में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीने में दर्द उठने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार को मुंबई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोरबी पुल हादसे की हालत को देखते हुए गुजरात में कांग्रेस ने सभी चुनावी रैलियों को किया बंद, बीजेपी के कार्यक्रम अब भी जारी। या दोस्तों आपको बता दें कि मोरबी पुल हादसे से गुजरात समेत पूरा देश गमगीन है। हादसे में अब तक 141 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी कई लोग लापता है जिनकी तलाश जारी है। जिन लोगों के परिजन लापता है वह घटना स्थल से अस्पताल के बीच चक्कर लगा रहे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच हादसे की भयावहता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 परिवर्तन यात्राओं को गुजरात में खत्म कर दिया है। इस संबंध में कांग्रेस ने इसको लेकर जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में जितनी भी कांग्रेस की रैली थी, कांग्रेस पार्टी ने सभी को खत्म कर दिया है मोरबी पुल हादसे के बाद, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम जारी हैं। बीजेपी लगातार इस पर राजनीति कर रही है और रैलियां कर रही है, तो बीजेपी वालों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। 141 लोगों की मौत हो गई और ये अभी भी वोट मांगने पर उतरे हुए हैं। उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है, मतलब नेपाल चले गए किसानों को। देखिए
गृह राज्य मंत्री इस देश का, इसकी बहुत बड़ी पावर है।